सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल थप्पड़ कांड और स्पॉट फिक्सिंग विवादों में रहे भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीशांत ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल मामले में बयान दिया है। श्रीशांत ने कहा कि टीवी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर की गई हार्दिक और राहुल की टिप्पणियां गलत हैं, लेकिन उनसे बड़ी गलती करने वाले टीम में खेल रहे हैं। श्रीशांत ने पांड्या और राहुल के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, जो कुछ भी हुआ वह गलत है, उन्होंने कुछ गलत बातें कही, लेकिन कुछ अन्य है जिन्होंने इससे बड़ी भी गलतियां की है, लेकिन अब भी खेल रहे हैं। वे क्रिकेट में नहीं भिन्न क्षेत्रों में हैं। बीसीसीआई ने इस घटना के बाद हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। हार्दिक और राहुल ने इस विवाद के बाद बीसीसीआई से लिखित में बिना शर्त माफी मांगी है। श्रीशांत ने कहा, जो कुछ हुआ वो बुरा है, लेकिन अब विश्व कप पास में है। हार्दिक और राहुल दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं, ये दोनों मैच विजेता खिलाड़ी हैं और जल्द वापसी करेंगे। गौरतलब है कि श्रीशांत का क्रिकेट करियर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में नाम सामने आने के बाद समाप्त हो गया था। उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए बिग बॉस में भी शिरकत की थी और आखिरी तक पहुंचे थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।